नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए घोड़े की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आपने इस घोड़े को पहले भी देखा होगा। इस घोड़े के ओनर हैं हाजी सरफराज खान, फैजाबाद रौनाई उत्तर प्रदेश से। पीछे की आप वीडियो में इस घोड़े के चलावे को देख चुके होंगे और आपको पता होगा कि ये घोड़ा अभी उम्र में नाकंद है। और इस वीडियो में जो फर्क है वो ये है कि इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे हैं सवार अमित, जो सूरत के घुड़सवार हैं। आपने इनकी पीछे वीडियो देखी होगी, इनकी घुड़सवारी के चर्चे चार्जर घोड़े पे काफ़ी है। आगे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यूपी बिहार के घुड़सवारों में और सूरत के घुड़सवारों में जो बाघ पकड़ने की तरकीब है उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर आप महसूस करेंगे। वैसे अमित सिंह वहाँ के काफ़ी अच्छे घुड़सवार हैं और एक अच्छे ट्रेनर के रूप में घोड़ों को लगातार ट्रेंड करते रहते हैं। इस घोड़े पे भी इनकी घुड़सवारी आप देखकर समझ सकते होंगे कि बाघों की पकड़ हो या बैठने की स्टाइल हो, जो फिक्स पोजिशन करके एक परफेक्ट राइडर बैठता है और घोड़े को जिस प्रकार से ट्रेंड करता है उसकी स्टाइल आप देख सकते हैं। ये एक मजे हुए कलाकार का ही खेल है। जब कभी भी इन लोगों को टाइम मिलता है तो ये अपनी प्रतिभा और अपना कौशल दिखाने से पीछे नहीं हटते। अभी हाजी सरफराज खान के इस घोड़े की अगर बात करें तो नाकंद उम्र में होने के साथ ही इस घोड़े का चलावा और स्पीड काफ़ी अच्छी है। लेकिन दिलचस्प ये रहेगा इस घोड़े के लाइफ हिस्ट्री में कि सर हाजी सरफराज खान का घोड़ा जब कभी भी मार्केट में उतरता है, वैसे आपको बता दूँ कि इस घोड़े पर घुड़सवारी तो सवार शरीफ के ही हाथों रहनी है, लेकिन देखना तभी है जब कभी भी ये घोड़ा अपना प्रतिभागी बनने के लिए मैदान में उतरता है तो सवार शरीफ इस घोड़े को कितनी तैयारी के साथ और कब और किस दंगल में उतारते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी इस घोड़े की स्पीड है, चलने की स्टाइल है, जो कुछ भी इस घोड़े में अभी है वो हर चीज़ परफेक्ट है और इस घोड़े के उज्ज्वल भविष्य होने के संकेत साथ देती है। तो जब तक आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो घोड़ा एक घोड़े के साथ जब लड़ने के रूप से चल रहा है तो काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ घुड़सवार अमित ने इस घोड़े से फाइट की है और उसी से संकेत ये मिलता है कि घोड़े में लड़ने का जुझारूपन भी अभी से नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि घोड़ा अच्छी तरह से तैयार होकर जब मार्केट में आए तो अच्छा प्रदर्शन करके लोगों को दिखाए। अभी इस वीडियो में आप हमें ज़रूर बताएं कि सवार अमित की घुड़सवारी आपको कैसी लग रही है और इनकी तालमेल इस घोड़े से कहां तक फिट बैठती है। अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले इस घोड़े पे काफ़ी सारी घुड़सवारियाँ सवार अमित के द्वारा की गई हैं। आपको सवार अमित की घुड़सवारी और बाघ पकड़ने की जो स्टाइल है वो यूपी और बिहार में किन मायनों में अंतर रखती है यहाँ के घुड़सवारों से, आप हमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, हमारे आप सदस्य बन सकते हैं और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे वीडियो की स्पीड बीच में कुछ कम थी लेकिन अब आपको उम्मीद है कि रेगुलर वीडियो मिलना फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस घोड़े के बारे में ज़रूर लिखें और अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ सवार एजाज अपने घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे हैं और उसी के साथ सवार अमित एक नाकंद घोड़े के साथ उनसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे जब घोड़ा धीरे धीरे एक बार पिछड़ा तो उसके बाद किस प्रकार से फिर से उन्होंने पोजीशन को फिक्स की और अपने घोड़े को लेकर धीरे धीरे रफ्तार देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। अभी आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा फासला बन गया है, जो इस फासले को कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है पिछड़ने वाले घोड़े के लिए, लेकिन जो अभी अमित सवार ने करके दिखाया वो काबिले तारीफ था। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर लिखें कि ये घोड़ा आपको कैसा लगता है।